सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है त्रिपुरा बोर्ड से। दोस्तों, क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, ये खबर आ रही है त्रिपुरा बोर्ड से, जहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरा बोर्ड ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, यानी प्री बोर्ड की परीक्षा जो है वो क्लास 10th और 12वीं की नहीं होगी। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा भी कैंसिल कर दी जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि सूबे में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएँ 18 मई से शुरू होने वाली हैं। दोस्तों, त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कोरोना संक्रमण में वृद्धि के चलते फिलहाल प्री बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इसके अलावा सूबे की सरकार ने निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों के सभी स्नातक और स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षाओं को भी स्थगित करा दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से कोविड-19 संक्रमण में काफ़ी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से कई राज्य बोर्डों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से कई राज्यों ने बोर्डों ने 10वीं 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और विश्वविद्यालयों को फिर से बंद करा दिया गया है। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से CBSE और ICSE बोर्ड ने भी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, सूबे के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई वर्तमान स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी अर्ध सरकारी निजी स्कूलों की 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की प्री बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की परीक्षा को अगले सूचना तक निलंबन करने का आदेश लिया है। दोस्तों, इससे पहले शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को बंद कराने की 3री कक्षा से लेकर 9वीं एवं 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं को भी स्थगित करने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा आपको मैं बता दूंगा। तब तक आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पर शिक्षा से जुड़ी सबसे सही जानकारी सबसे कम समय में दी जाती है। धन्यवाद।